अनंत अंधकार की एक रात को दो महान सन्यासी अनंत ज्ञान की खोज में भारत के कोने कोने में भटक रहे थे। दिन रात वो सिर्फ उसी ज्ञान की तलाश कर रहे थे जो उन्हें जीवन की अनंत वास्तविकता देखने में मदद कर सके, ज्ञान जो उन्हें दृष्टि प्रदान कर सके जिससे वो इस ब्रह्मांड के परे देख सकें, उस अनंत वास्तविकता को देख सकें जो साधारण इंसान के सोच और समझ के भी परे है। चलते चलते वो दो महान सन्यासी कब एक घनघोर विकराल जंगल में आ पहुंचते हैं पता ही नहीं चलता। जंगल जो भयंकर जानवरों की ध्वनि से कंपित हो रही थी, डर नाम की चीज उस वक्त उन दो महान सन्यासी के मुख में कतई नहीं थी। वो ये जानते थे कि मैं ये तुच्छ शरीर नहीं हूँ, ना ही मैं ये मन की भावना हूँ और ना ही मैं ये चेतना हूँ। मैं वो परम तेजस्वी दिव्य आत्मा हूँ जो अनंत ब्रह्मांड के परम शक्तिशाली तेजस्वी परमात्मा से अलग हुआ हूँ। हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ तो डर कैसा। ये सोचकर वो दोनों उस विकराल अंधकार सी जंगल के अंदर चले गए अपना सफर जारी रखने के लिए। जंगल बाहर से जितना डरावना दिख रहा था उतना था नहीं। चलते चलते वो दोनों तर्क जनित बातें करने लगे। पहले सन्यासी ने कहा कि वास्तविकता वास्तविक है, यह ठोस और अपरिवर्तनशील है। फिर दूसरे सन्यासी ने कहा कि वास्तविकता एक भ्रम है, यह लगातार बदलता रहता है और ठोस वस्तु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इस बात को लेकर वो दो सन्यासी वास्तविकता को लेकर बहस करने लगे कि वास्तविकता एक असल चीज है भी या नहीं, या ये सिर्फ मानव मन का भ्रम है। अंत में वे एक नदी के पास पहुँचे जिसमें बहुत तेजी से जल प्रवाह हो रहा था और बहुत गहरा भी था। पहले सन्यासी ने तैर कर नदी पार करने का निर्णय लिया, जबकि दूसरे सन्यासी ने एक नौका बनाकर तैर कर पार करने का निर्णय लिया। फिर पहला सन्यासी तैर कर नदी पार कर गया और पीछे मुड़कर देखा तो वो दूसरा सन्यासी अभी भी नौका बना रहा था। पहले सन्यासी ने दूसरे सन्यासी को पुकार कर कहा, तुम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो, बस तैर कर नदी पार कर लो। फिर दूसरे सन्यासी ने उत्तर दिया कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे पानी से डर लगता है। फिर पहला सन्यासी हंसा और बोला, तुम पानी से डरते हो लेकिन तुम तो भ्रम से नहीं डरते। दूसरे सन्यासी ने एक क्षण के लिए इस बारे में सोचा, फिर उसने कहा कि आपने सही कहा कि मैं भ्रम से नहीं डरता, मैं अज्ञात से डरता हूँ। पहला सन्यासी मुस्कुराया और बोला, अज्ञात डरने की चीज नहीं है, ये ऐसी चीज है जिसे तलाशा जाना चाहिए। दूसरे सन्यासी ने एक क्षण के लिए इस बारे में सोचा, फिर उसने कहा कि मैं बहादुर बनने की कोशिश करूंगा, मैं तैर कर नदी पार करने की कोशिश करूंगा। फिर दूसरे सन्यासी ने गहरी सांस ली और नदी में कूद गया। फिर वो आसानी से तैर कर नदी पार कर गया और वो डरा नहीं। दोस्तों, अज्ञात एक ऐसी चीज है जिससे लोग भय खाते हैं, परंतु सोचने वाली बात तो ये है कि अज्ञात का पता लगाना ही हम मानवों का काम है। वास्तविकता को जानना कि ये असली है या नहीं, या ये सिर्फ हमारा भ्रम है, ये भले ही डरावना है पर इसका जवाब हम पा सकते हैं अगर इस संसार को गहराई से समझना शुरू कर दें। जितनी गहराई से हम इस संसार और ब्रह्मांड को समझेंगे उतनी ही गहराई के अंदर हमें चमत्कार के खजाने मिलते जाएंगे जो हमें एक दिन मुक्त कर देंगे।